हाय गाइस, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क ऑर्गेनिक ऑनलाइन में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार, आज मैं आपको रीकैप लेकर आई हूँ एक पुराने वीडियो का, यानी कि गर्भ निरोधक तरीके क्या होते हैं, कौन से सेफ होते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग, और कितने तरह के तरीके होते हैं। ओके, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि प्रेगनेंसी कैसे इस्टेब्लिश होती है ये सबको पता है, फिर भी चार इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले आदमी का स्पर्म विजयना में आना, ठीक है, दैट इज सेक्शुअल एक्टिविटी। सेकेंड हो गया एग रिलीज होना, यानी कि ओवुलेशन होना, बॉडी में लेडी का या तो लेफ्ट या राइट ओवरी से एग रिलीज होता है। थर्ड चीज होती है स्पर्म और एग का मिलना, जो कि ट्यूब में मिलते हैं। स्पर्म ऊपर चढ़ता है विजयना से यूट्रस और यूट्रस से ट्यूब तक, और वहीं से ट्यूब से ट्यूब ओवरी से एग निकाल के दोनों को मिलना, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और चौथा होता है इस बच्चे को, जो तीन चार दिन का बच्चा बन चुका है, इसको वापस यूट्रस में लुढ़क के आना और वहां पर इम्प्लांट हो जाना, वहां पर रह जाना, अपना घर बनाना, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो जितने भी गर्भ निरोधक तरीके हैं, चाहे नेचुरल तरीके, चाहे आप डॉक्टर के पास जाके कोई मेडिसिन ले, इंजेक्शन ले, वो सारे इन्हीं चारों चीजों पे एक्ट करते हैं। अब हम आते हैं कैसे, कहाँ कहाँ क्या एक्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं स्पर्म इनोकुलेशन, यानी कि विजयना में जो स्पर्म जा रहा है, या तो उसको मिलने ना दें विजयना से, और या फिर उसको वहीं का वहीं खत्म कर दें। तो सबसे पहले जो तरीका आता है वो नेचुरल तरीका, बहुत से लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, अंदर इजैकुलेशन ना करके विजयना के बाहर इजैकुलेशन करें। फिर आते हैं जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स वो होते हैं जो कि सीमेन को, जो पानी निकलता है, उसको विजयना से टच नहीं होने देते। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स सेफ होते हैं, आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये जो यौन रोग होते हैं, इनसे भी बचाते हैं। तो आपस में अगर आपको संबंध रखने हैं और यौन रोग से बचना है तो कॉन्डोम बहुत सेफ है। लेकिन इनकी जो प्रेगनेंसी प्रिवेंशन का जो रेट है, दैट इज जस्ट अबाउट 80-85%। क्यों? क्योंकि ब्रेक हो जाते हैं, फट जाते हैं, पता नहीं चलता है, पेशेंट कई बार उसको एलर्जी हो जाती है क्योंकि लैटेक्स के बने हुए होते हैं। कॉन्डोम के अलावा जो चीज़ें बहुत कॉमन नहीं है, जो बहुत इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, वो है फीमेल कॉन्डोम। फीमेल्स का भी कॉन्डोम आता है, डायफ्राम आता है, या फिर जैसे आपने मेंस्ट्रुअल कप मैंने पढ़ाया हुआ आपको कई बार, उससे सर्वाइकल कैप आती है जो कि सर्विक्स को कवर कर देती है, उसको पेशेंट को खुद लगाना होता है, उससे ये कॉन्टैक्ट में नहीं आते। साथ ही इन सब डायफ्राम और सर्वाइकल कैप के साथ एक जेली, स्पर्मिसाइड जेली होती है, जो कि स्पर्म को खत्म कर देती है। उस जेली के साथ अगर सर्वाइकल कैप को यूज करेंगे तो इसकी इफेक्टिवनेस 65% से 80-85% तक पहुंच जाती है। कुछ लोग सिर्फ जेलीज यूज कर सकते हैं, बहुत कॉमन नहीं है, मैंने देखा नहीं किसी को यूज करते हुए, किसी से सुना नहीं, बट ये किताबों में लिखा है। और क्योंकि पुरानी चीजें हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग पुरानी अपनी जो चली आ रही परंपरा घर में उसी को यूज करते हैं। तो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आती हैं, जेलीज आती हैं, जो कि क्या करती है कि वजाइना का जो पीएच है, यानी कि जो एसिडिटी है, उसको बढ़ा देती है। तो स्पर्म को जो एनवायरनमेंट चाहिए जिंदा रहने के लिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो नहीं मिलता और स्पर्म वहीं खत्म हो जाता है। ये तो हो गए वो मेथड्स जो या तो स्पर्म को वजाइना से मिलने नहीं दे रहे या फिर उसको वहीं खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं ओवुलेशन, यानी कि वो दवाइयाँ या फिर वो इंजेक्शंस जो कि आपके अंदर, लेडी के अंदर जो ओवुलेशन होता है महीने के महीने, जो एग रिलीज होता है लेफ्ट या राइट ओवरी से, उसको रिलीज ही ना होने। तो जो सबसे नेचुरल तरीका है वो ये है कि भाई आप ओवुलेशन के समय सेक्स ही ना करें, यानी कि जो आपको फर्टाइल पीरियड है उसको आप अवॉइड करें। तो वो बहुत से लोग यूज़ करते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं मैडम फर्टाइल पीरियड कब आता है, तो ओवुलेशन के एक दिन बाद और ओवुलेशन के दो तीन दिन पहले, तो वो जो चार पाँच दिन होते हैं, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 14th डे ओवुलेशन हो रहा है, तो 11th डे से 15th डे तक मोटा मोटा आपका फर्टिलाइजेशन हो सकता है, आप फर्टाइल पीरियड में है। एक आध दिन और एक्सटेंड करते हैं, कभी कभी स्पर्म 3-4 दिन जिंदा रह जाता है, ओवम 24 घंटे से थोड़ा ज़्यादा जिंदा रह जाता है, 14 दिन की जगह 15वें दिन ओवुलेशन हो जाता है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 10वें दिन से 16वें-17वें दिन तक ये रिपीट का टाइम होता है, ये फर्टाइल पीरियड। तो या तो नेचुरल तरीका यूज़ करें या फिर आप हॉर्मोन्स यूज़ करें। अब हॉर्मोन्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कई बार पढ़ा चुकी हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके हॉर्मोन्स ब्रेन से निकलते हैं, ब्रेन से निकल के ये सीधे ओवरी में जाते हैं, और ओवरी में जो चेंजेस आते हैं उसके बाद मिड साइकिल यानी 14वें दिन आपको अंडा रिलीज होता है। तो जो हम हॉर्मोन्स आपको देते हैं, चाहे वो टैबलेट के फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्शन के फॉर्म में हो, चाहे वो पैचेस हो जो कि यहाँ पर पैच लग जाता है, चिपक जाता है, या फिर रिंग्स हो जो वजाइना में जाती हैं, या फिर कॉपर टी में कई बार हॉर्मोन होता है, उसको मिरेना बोलते हैं, और अब इंडिया में भी बनने लगा है। पहले ये इंग्लैंड से इंपोर्ट होता था, अब ये इंडिया में एमिली के नाम से मिलने लगे, बहुत सारी कंपनीज ने शुरू किया है। तो ये एक ऐसा कॉपर टी है जिसके अंदर हॉर्मोन भी है, कॉपर नहीं है,
एक्चुअली हॉर्मोन है, शेप कॉपर्टी वाली है बट कॉपर की जगह हॉर्मोन है। तो ये सारे हॉर्मोन्स आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हॉर्मोन साइकिल है उसको खत्म कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपको पीरियड तो आएगा बट अंडा नहीं निकलेगा, ओवुलेशन नहीं होगा। इसमें सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज और सबसे फेमस है वो है संडे मंडे पिल। आप उसको संडे मंडे पिल बोलते हैं क्योंकि वो 21 डेज की पिल होती है, उसके पैकेट में पीछे लिखा होता है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बट वो सारी पिल्स एक ही कलर की है, यानी कि कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। पीरियड के 5वें दिन से लेना होता है, 21 दिन की टैबलेट है, 5वें दिन से लेंगे तो 26वें 27वें दिन खत्म हो जाएगी, 2-3 दिन के अंदर ब्लीडिंग आ जाएगी और 2 पैकेट्स के बीच में 7 दिन का गैप, इससे ज्यादा नहीं रखना होता। अब जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये है कि कौन लोग ये ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। देखो हॉर्मोन जो ट्रीटमेंट होता है, जो पिल्स आती है वो दो तरह की होती है, एक तो होता है जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों कंबाइंड पिल, एक होती है ओनली प्रोजेस्टेरोन पिल। ओनली प्रोजेस्टेरोन पिल ज्यादा सेफ है, स्पेशली उन लोगों को जिनको कि ईस्ट्रोजन से प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर क्लॉट्स पैरों में क्लॉट्स बन गए हैं, या फिर कैंसर की कोई बीमारी है, ब्रेस्ट कैंसर है, एक्टिव लिवर डिजीज है, इन केसेस में, या फिर अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं शुरू के 6 महीने, इन केसेस में अगर हम ईस्ट्रोजन वाली पिल देंगे तो आपका दूध कम हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, माइग्रेन बढ़ जाएगा, हेडेक बढ़ जाएगा। ऐसे केसेस में प्रोजेस्टेरोन पिल ज़्यादा सेफ रहती है बट इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन आप बीच बीच में बंद नहीं कर सकते, तो ये लगातार लेनी होती है। आप इसमें गैप नहीं दे सकते कि 20 डेज या फिर छोड़ा पीरियड के लिए, आपको इसको लगातार लेना पड़ता है, जिस वजह से आपको पीरियड का पता ही नहीं चलता, पीरियड्स कब आ रहे हैं, बीच में आ गए, कभी पब्लिक में बैठे सडनली पीरियड स्टार्ट हो गया, तो ये थोड़ा अनॉइंग हो जाता है। तो बेस्ट होती है 21 डेज की पिल, आपके कंट्रोल में है। एक दिन टैबलेट भूल गए, दूसरे दिन 2 टैबलेट एक साथ खा लो, 2 दिन टैबलेट भूल गए, अपने डॉक्टर से बात करो कि आप फर्टाइल पीरियड में हो कि नॉर्मल इनफर्टाइल या सब फर्टाइल पीरियड। तो 21 डेज की पिल्स उन लोगों को नहीं देते जिनको एक्टिव लिवर डिजीज है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कैंसर है, डीवीटीज बन रहे हैं, हाइपरटेंशन है, उन केसेस में नहीं देते, या फिर मिर्गी की बीमारी यानी कि एपिलेप्सी है, इन लोगों में ये नहीं देते। वरना अगर इफेक्टिवनेस देखी जाए तो 95-99% इफेक्टिव है ये हॉर्मोन। गाइस कुछ दिन पहले मैंने DMPA यानी कि डीपो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, नाम आपको याद करना नहीं है क्योंकि मेडिकल नाम है, ये एक प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन है जो कि 150 मिलीग्राम का होता है। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी मैडम इसके बारे में बताइए, तो मैंने ओपीडी में बैठे बैठे वो इंजेक्शन दिखाया भी था आपको और आपको बताया था क्या होता है। इसका भी वही एक्शन है, ओवुलेशन बंद कर देगा। इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि बहुत हाई डोज हार्मोन है तो यूट्रस को बिल्कुल सुखा देता है, पीरियड्स कई बार बहुत दिन तक, बहुत महीनों तक डिले हो जाते हैं और इसको बॉडी से फ्लश आउट करने का कोई तरीका नहीं, अपने आप ही बॉडी से निकलता है। और ये सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन में नहीं, कई बार ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो फाइब्रॉइड्स की वजह से, या एंडोमेट्रियल अंदर हाइपरप्लेसिया है यानी कि अंदर बच्चे दाने की जो लाइनिंग है वो मोटी हो गई है, थिक हो गई है, उसकी वजह से भी इसको यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी कि फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म और ओवा को अंडे को मिलने ना दें, तो उसके लिए हमको बीच का ब्रिज काटना पड़ता है यानी कि ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी आपको पता है लाइगेशन, ट्यूबल लाइगेशन, इसके ऊपर मेरा वीडियो आ चुका है, इसको हिंदी में नसबंदी बोलते हैं। अब नसबंदी वैसे तो परमानेंट तरीका है लेकिन पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि चाहे आप उसको रिंग से पकड़ें या क्लिप्स लगाएं या फिर काट दें, 1-2% फेलियर बड़ा ही कॉमन है और ये डॉक्टर्स आपसे साइन करवा के लेंगे, ठीक है। ज्यादातर जो कटी हुई ट्यूब होती है वापस नहीं जुड़ती, रिंग लगी हुई या क्लिप लगी हुई जुड़ सकती है। अब हम आते हैं चौथा तरीका, यानी कि सब कुछ हो गया, स्पर्म भी रिलीज हो गया, अंडा भी रिलीज हो गया, दोनों मिल भी गए, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, अभी तक आप प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं, जब तक ये इम्प्लांट नहीं करेगा, वापस यूट्रस में आके अपना घर नहीं बनाएगा, तब तक आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो उस चीज को रोकने के लिए अपने पास क्या तरीका है, यूट्रस के अंदर जो एनवायरनमेंट है, जो पोषण मिलता है बच्चे को, वो खत्म कर दें। उसका बेस्ट तरीका होता है कॉपर्टी। कॉपर्टी क्या करती है, कॉपर्टी एक ऐसे प्लास्टिक का टी शेप, प्लास्टिक का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि अंदर लगाते हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में, यूट्रस की शेप ले लेता है अंदर जाके, और इसके अंदर जो कॉपर होता है इसके लिम्स के अंदर, वो स्पर्म्स को मारता है, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन पैदा करता है जिसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं जो आ रहे हैं ऊपर चढ़ रहे हैं, और साथ में जो इम्प्लांटेड जो जाइगोट आया है, जो बच्चा आया है अंदर बच्चेदानी के अंदर, उसको ये चारों तरफ से खत्म करेगा, क्योंकि जो अंदर यूट्रस का एनवायरनमेंट है, एंडोमेट्रियम है, वहां से बच्चे को पोषण मिलता है, वो उसको खराब करेगा। तो बेसिकली मोटी मोटी तौर पे हमको ये चार चीजें रोकनी होती है, या तो स्पर्म को ना आने दें, या फिर ओवम को ना आने दें, फर्टिलाइज ना होने दें, या फिर इम्प्लांटेशन ना होने दें।
सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा क्योंकि इसका डिटेल्ड वीडियो पहले आ चुका है दो पार्ट्स में। कुछ पूछना हो तो इनबॉक्स करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और मैं वापस हाजिर होंगी नए वीडियो के साथ।